हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं टेक शाहिद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीखेंगे कि अगर आप भी सैमसंग का मोबाइल कोई भी फाइनेंस करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो में अगर नई बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले चलेंगे हम अपने सैमसंग फाइनेंस एप्लीकेशन में। यहाँ से सिंपली हम सैमसंग फाइनेंस प्लस मर्चेंट को ओपन कर लेंगे। यहाँ से सिंपली मैंने सैमसंग फाइनेंस प्लस जो मर्चेंट है उसको मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। यहाँ से सिंपली हम स्मार्टफोन ईएमआई कर सकते हैं। यहाँ से गैलेक्सी एस वर्ड का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आपको टैबलेट फाइनेंस का ऑप्शन दिया गया है। तो सिंपली दोस्तों हम स्मार्टफोन ईएमआई करेंगे। तो सिंपली दोस्तों स्मार्टफोन ईएमआई वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा हम लोगों के सामने। यहाँ से हम कोई सा भी एक डिवाइस को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से मैं एक डिवाइस सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने एक डिवाइस सेलेक्ट कर लिया है। सिंपली दोस्तों यहाँ से जो देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपको नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे नीचे की साइड में, यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ से कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको वेरीफाई और आइडेंटिटी का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको आ जाना है। उसके बाद यहाँ से आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल देना है, यहाँ से आपको ईमेल आईडी डाल देना है, यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, और यहाँ से प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यहाँ से आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोई भी एक डॉक्यूमेंट चूज़ करके यहाँ पर उसका नंबर डाल देना है। फिर से दोस्तों यहाँ पर सिंपली हम नेक्स्ट वाला जो बटन है यहाँ पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने सारा टोटली फिल कर दिया है। यहाँ पे सिंपली मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से डीएमआई फाइनेंस और यहाँ पे सैमसंग, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कॉन्सेंट का नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कॉन्सेंट लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन है, इसे आपको एग्री कर लेना है। यहाँ से एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको आगे बढ़ा देना है। यहाँ करने के बाद दोस्तों केवाईसी रजिस्ट्रेशन वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आप आ चुके हैं। सिंपली सिंपली यहाँ से प्लीज़ चूज़ योर केवाईसी ऑप्शन। यहाँ से आप डिजिटल लॉकर केवाईसी, आधार ओ केवाईसी, आधार क्यूआर एंड पैन केवाईसी, यहाँ से अपने मर्जी से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेंगे। हम आधार ओ केवाईसी वाला जो है ऑप्शन को इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से सिंपली हम आधार ओ केवाईसी वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ नेक्स्ट के बटन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ से सिंपली आपको आधार नंबर फिल करके यहाँ पे आपको कैप्चा फिल कर देना है। सिंपली जेनरेट ओटीपी वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे दोस्तों तो देख सकते हैं, यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको ओटीपी का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको ओटीपी फिल कर देना है। यहाँ पर आपको शेयर कोड में यहाँ पर आपको 1234 यहाँ पर टाइप कर देना है और नीचे में यहाँ पर देख सकते हैं फ्रॉम केवाईसी वाला ऑप्शन पर एक बार क्लिक करके यहाँ से सिंपली आपको नेक्स्ट जाना है। नेक्स्ट जाने से पहले दोस्तों सिंपली आपको यहां से एक कैमरा का ऑप्शन दिखाई देगा। इसके बाद यहां पे आपको कस्टमर का इमेज कैप्चर करना है। उसके बाद दोस्तों यहां पे देख सकते हो, कैप्चर करने के बाद यहां पे आपको आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे फोटो कैप्चर करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई। यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे एम्प्लॉयड स्टेटस सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ से मैं आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं, हाई स्कूल और लेस, यहाँ पे ग्रेजुएट, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट, यहाँ पे अदर। आप यहाँ से अपने हिसाब से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्लॉयड स्टेटस वाला, यहाँ पे आपको एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, पेंशनियर, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई सा भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों सिंपली देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा आपको। यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स फिल कर देना है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं हाउ मच योर एवरेज मंथली इनकम, यहाँ पर आपको मंथली इनकम डाल देना है। और यहाँ पर नेक्स्ट जो सेकंड नंबर ऑप्शन है, यहाँ पे हाउ मच योर एवरेज मंथली हाउस होल्ड इनकम, यहाँ पे देख सकते हैं योर इनकम प्लस अदर फैमिली मेंबर्स सोर्स ऑफ इनकम, यहाँ पे आपको टोटल फैमिली का इनकम डाल देना है। यहाँ पे थर्ड नंबर पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे हाउ मच योर पे इन एक्सपीरियंस इच मंथ, यहाँ पे आप
देख सकते हैं यहाँ पे आप जितना भी खर्च करते हैं वहाँ यहाँ पे आपको फिल कर देना है। और यहाँ पे कुछ रहा है सिंपली हाउ मच योर, यहाँ पे आपको सिंपली हाउ मच योर करंटली पे ईच मंथ EMI, यहाँ पे आप अगर आपका कोई लोन है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, वरना यहाँ पे आपको फिल नहीं करना है, वरना जीरो डाल देना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हाउ मैनी डिपेंडेंट्स और योर हैव पीपल आर योर सपोर्ट योर इनकम, यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने लोग मिलकर काम करते हैं वो यहाँ पे फिल कर देना है। तो सिंपली उसके बाद नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको पूरा फॉर्म फिलअप मिलेगा। आपको बस यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इसको और इसको, यहाँ पे मंथली ऑफ रेजिडेंस, यहाँ पे आप कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं, और यहाँ पे आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको सेल्फ ऑनर्ड या रेंटल है जो भी है, यहाँ से आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करके यहाँ से सबमिट एप्लीकेशन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा आपके सामने। यहाँ पे आप फ़ोन EMI करवा सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आपका टोटल चेक हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह का, यहाँ पे आपको यहाँ पे आपका EMI हो रहा है, यहाँ पे टर्नर हो रहा है, और यहाँ पे आपका डाउन पेमेंट दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आपका प्रोसेसिंग फ़ी दिखाई दे रहा है। अगर आप इस फ़ोन को करना चाहते हैं तो सिंपली सेलेक्ट वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक करके आप इस फ़ोन को फाइनेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक नई अगली वीडियो में।